इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Vivo के मोस्ट कंट्रोवर्शियल स्मार्टफोन के बारे में। यस, आई एम गोना टॉक अबाउट Vivo T1 Pro 5G। बहुत सारे लोगों का मानना यह है कि ये जो स्मार्टफोन Vivo ने लॉन्च किया है, इट विल बी द टर्निंग पॉइंट ऑफ Vivo, क्योंकि Vivo जो है ना, ज्यादातर स्मार्टफोन पहले ऑफलाइन सेंट्रिक लोगों के लिए बनाते थे, यानी कि परफॉर्मेंस सेंट्रिक स्मार्टफोन नहीं होते थे। वो ज्यादातर कैमरा और स्क्रीन पर फोकस करते थे और डिजाइन पर फोकस करते थे, बट हाँ, प्रोसेसर उन स्मार्टफोन में आपको ज्यादा अच्छा देखने को नहीं मिलता था। बट दिस टाइम Vivo completely changed their narrative and they are also making the performance centric smartphone। But बहुत सारे लोगों का मानना ये भी है कि ये जो स्मार्टफोन है प्राइस के हिसाब से अच्छा परफॉर्मेंस डिलीवर नहीं कर पाता है, और इस प्राइस रेंज में मार्केट में और भी बहुत सारे स्मार्टफोन अवेलेबल हैं जो कि इससे अच्छा परफॉर्मेंस डिलीवर कर पाते हैं। सो बेसिकली इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि दोनों बातों में कितनी सच्चाई है, और अभी भी 8 महीने के बाद भी क्या ये स्मार्टफोन लेना फायदेमंद का सौदा होगा, जानेंगे इस वीडियो में। Let's get started। Okay, तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कि आप में से बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अगर आपको कुछ फायदा होता है मेरी वीडियो से, अगर कुछ सीखने को मिलता है, कुछ नई चीज़ें जानने को मिलती है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरीके के नए नए और इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना सकूं। एंड वीडियो अच्छा लगता है देन प्लीज हिट द लाइक बटन बिलो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस Vivo T1 Pro 5G। स्मार्टफोन का डिज़ाइन बहुत अच्छा है और स्मार्टफोन का कैमरा भी बहुत अच्छा है, बट जब फर्स्ट टाइम मैंने देखा था ना, देन आई वाज आल्सो वेरी मच कन्विंस्ड बाय Vivo कि हाँ, Vivo ने कुछ डिफरेंट अप्रोच अपनाया है अपने कस्टमर को लुभाने के लिए और Vivo ने एक अच्छा स्मार्टफोन डिलीवर किया है। बट जैसे मैंने डीपली एनालाइज करना शुरू किया, इस स्मार्टफोन के बारे में पढ़ना शुरू किया और भी बहुत सारी चीज़ें जाना और भी यूट्यूबर्स की ओपिनियन जाना, तब मुझे समझ में आया कि यस, इस स्मार्टफोन में कुछ तो फॉल्ट है, और फिर मुझे लगा कि नहीं, इस पर एक वीडियो बनाना ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे लोग मिसगाइड हो रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं स्मार्टफोन के डिज़ाइन की। डिज़ाइन देखने में आपको बहुत अच्छा देखने को मिलेगा, टिपिकल Vivo के स्मार्टफोन का डिज़ाइन आपको देखने को मिल जाएगा। बट डिज़ाइन से मुझे एक शिकायत है कि Vivo का एक ऐसा स्मार्टफोन है जिसका प्राइस 20,000 के अबव है, यानी कि 25,000 के कैटेगरी में ये स्मार्टफोन आता है, और इसके नॉन प्रो वेरियंट का अगर प्राइस देखें, यानी कि Vivo T1 का, तो वो करीब करीब 15,000 यानी कि 14,499 में आता है। और एक और स्मार्टफोन है जो कि Vivo का ही है, यानी कि G6 एंड G6 Pro, दोनों का भी डिजाइन आपको सेम टू सेम देखने को मिलता है, कोई भी फर्क देखने को नहीं मिलने वाला है, जबकि iQOO G6 का जो प्राइस है ना, वो है 13,000। सो आप समझ सकते हैं कि एक 13,000 के स्मार्टफोन में और एक 21-22,000 के स्मार्टफोन के डिजाइन में आपको जीरो डिफरेंस देखने को मिलता है, मतलब कोई भी अंतर नहीं दिया गया है। सो ये मुझे अच्छा नहीं लगा है। और दूसरा चीज जो डिजाइन में मुझे अच्छा नहीं लगा है, वो है इसका ड्यूल ड्रॉप नॉच। 2022 में मुझे नहीं लगता कि कहीं से भी ये एक्सेप्टेबल है, ये ड्यूल ड्रॉप नॉच, क्योंकि इस नॉच से जो ना स्क्रीन बहुत ही भद्दा दिखने लगता है। सो ड्यूल ड्रॉप नॉच देने का कोई मतलब नहीं निकलता है 21-22,000 के स्मार्टफोन में। सो टू बी ऑनेस्ट, डिजाइन मुझे इस स्मार्टफोन का उतना अच्छा नहीं लगा है, और 22,000 के स्मार्टफोन में 90Hz का रिफ्रेश रेट मुझे नहीं लगता है कहीं से भी एक्सेप्टेबल है, क्योंकि ये आपको 15,000 या 10,000 के स्मार्टफोन में भी आपको देखने को मिल जाएगा। सो एटलीस्ट 120Hz रिफ्रेश रेट रहता तो वो मेरे ख्याल से ज़्यादा अच्छा रहता है स्मार्टफोन में। बाकी स्मार्टफोन का स्क्रीन ब्राइटनेस बहुत अच्छा है, 1300 नीट्स दिया गया है, जिससे कि आपको आउटडोर हार्श लाइटिंग कंडीशन में भी कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलने वाली है। अगर आप OTT कंटेंट बहुत ज़्यादा बिंज वॉच करते हैं, सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं, देन स्क्रीन जो है ना आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। इसका कलर प्रोडक्शन बहुत अच्छा है क्योंकि ये AMOLED डिस्प्ले है, तो जाहिर सी बात है आपको पंची कलर देखने को मिलेंगे। सो स्क्रीन को हम बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं कह सकते हैं और बहुत ज़्यादा ख़राब भी नहीं कह सकते हैं, बस सिर्फ उसमें दो ही चीज़ें मुझे ख़राब लगा है, एक रिफ्रेश रेट और ये ड्यूल ड्रॉप नॉच नहीं रहता तो वो ज़्यादा अच्छा रहता। पंच होल कैमरा रहता, साइड पंच होल या फिर मिडिल पंच होल रहता तो वो मेरे ख्याल से ज़्यादा अच्छा रहता। सो स्क्रीन एवरेज है, बहुत ख़राब भी नहीं कह सकते हैं, बहुत अच्छा भी नहीं कहा जा सकता है। बट हाँ, बैटरी स्मार्टफोन में आपको 4600mAh की दी गई है विथ 66W फास्ट चार्जर, और ये 66W का फास्ट चार्जर आपके स्मार्टफोन को ओनली 18 मिनट में 50% चार्ज कर देता है, जो कि मेरे ख्याल से बहुत अच्छा है। इस प्राइस रेंज में आपको ऐसे कम ही स्मार्टफोन मिलते हैं जिसमें 66W का फास्ट चार्जर दिया गया हो, और इसके अलावा इसमें आपको 8 लेयर ऑफ लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी दी गई है, जिसकी मदद से मल्टीटास्किंग के वक्त या फिर चार्जिंग के वक्त या फिर कैमरा यूज करते वक्त, गेमिंग के वक्त,
आपका स्मार्टफोन जो है ना वो बहुत ज़्यादा हीट नहीं होता है। जब भी ये स्मार्टफोन हीट होता है तो ये लिक्विड कूलिंग सिस्टम जो है ना स्मार्टफोन के हीट को अब्सॉर्ब कर लेता है और हीटिंग को जो है ना बहुत हद तक कम कर देता है। नेक्स्ट बात करेंगे स्मार्टफोन के प्रोसेसर की, तो प्रोसेसर स्मार्टफोन में बहुत बढ़िया दिया गया है, यानी कि Qualcomm Snapdragon 778G का एक गेमिंग प्रोसेसर दिया गया है। परफॉर्मेंस बहुत अच्छा इस प्रोसेसर का है, इससे आप PUBG वगैरह गेम जो है बहुत मक्खन की तरह खेल सकते हैं, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगा। मल्टीटास्किंग हो या डे टू डे टास्क हो, इसमें आपको कोई भी लैग या हैंग देखने को नहीं मिलेगा, कभी भी आपको जिटरिंग लैग या थ्रॉटलिंग इशू भी देखने को नहीं मिलने वाला है। अब बात करते हैं स्मार्टफोन के स्पीकर की, तो स्पीकर स्मार्टफोन में उतना अच्छा नहीं दिया गया है, इसमें आपको मोनो स्पीकर देखने को मिल जाता है और बहुत सारे स्मार्टफोन में मोनो स्पीकर होने के बावजूद भी आपको साउंड क्वालिटी बहुत अच्छा देखने को मिलती है। बट इस स्मार्टफोन में आपको ना ही साउंड की क्वालिटी अच्छा देखने को मिलेगी, ना ही डुअल स्टीरियो स्पीकर दिया गया है और ना ही इसमें आपको हेडफोन जैक दिया गया है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है ना हेडफोन बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं जब उसके स्पीकर का क्वालिटी अच्छा नहीं होता है। तो मुझे लगता है 3.5mm का ऑडियो जैक तो ज़रूर देना चाहिए था कंपनी को। गाइस अब बात करते हैं स्मार्टफोन के कैमरे की, तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि Vivo और Oppo के जो स्मार्टफोन होते हैं ना उसमें कैमरा आपको बहुत अच्छा देखने को मिलता है। इनफैक्ट Vivo का तो टैगलाइन भी ये है कि कैमरा एंड म्यूजिक, और Vivo के सारे स्मार्टफोनों में आपको पंची कलर देखने को मिलेंगे और कैमरे का जो क्वालिटी होता है ना वो सच में बहुत अच्छा होता है, क्योंकि ये जो है ना ऑफलाइन यूजर्स को ज़्यादा टारगेट करते हैं और इसी वजह से ये कैमरा बहुत अच्छे बनाते हैं। सो सेम चीज़ आपको इस स्मार्टफोन में भी देखने को मिलेंगे, भले ही एक परफॉर्मेंस सेंटर का स्मार्टफोन है बट कैमरे का क्वालिटी इसमें आपको अच्छा देखने को मिलेगा। तो स्पेसिफिकेशन देख लेते हैं कैमरे का, इसमें रेयर में आपको ट्रिपल कैमरे का सेटअप देखने को मिल जाता है, लेकिन सर्कुलर कटआउट जो दिया हुआ है वो देखने से लगता है कि दो कैमरे हैं, बट एक्चुअली अगर देखा जाए तो सच में इसमें दो ही कैमरे हैं, क्योंकि जो इसका प्राइमरी कैमरा है वो है 64 मेगापिक्सल का, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस दिया गया है एंड 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर दिया गया है जो कि नहीं काम करता है। जो भी 15,000-20,000 के रेंज के स्मार्टफोन आते हैं ना उसमें जो ये मैक्रो सेंसर होता है ना वो सच में काम नहीं करता है, ये सिर्फ और सिर्फ एक मार्केटिंग गिमिक है जो कि कस्टमर को बेवकूफ बनाने के लिए दिया जाता है, ये उतना अच्छा तरीके से काम नहीं करता है। बाकी इसका अल्ट्रा वाइड लेंस अच्छा काम करता है, इसका प्राइमरी लेंस बहुत अच्छा काम करता है, फ्रंट में आपको 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है और सेल्फी कैमरा भी बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। स्मार्टफोन के रेयर कैमरे से आप 4K वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं और फ्रंट कैमरे से आप 1080p वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। सो कैमरे का क्वालिटी ओवरऑल मुझे तो बहुत अच्छा लगा है। सो अब बात करते हैं मेरे फाइनल कंक्लूजन की कि क्या ये स्मार्टफोन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, या फिर इस प्राइस रेंज में कोई और स्मार्टफोन अवेलेबल हैं जो इससे कम प्राइस में आते हैं और वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट डिलीवर करते हैं। वेल Vivo का ही एक कंपनी है iQOO, और iQOO ने iQOO G6 Pro के नाम से सेम टू सेम स्मार्टफोन लॉन्च किया हुआ है, बट वहां पर आपको प्राइस देखने को मिलता है 21,999 रुपीज, जबकि Vivo के इस स्मार्टफोन का प्राइस आपको देखने को मिल जाता है 24,499 रुपीज, जिसे आप ऑफ कोर्स अवॉइड कर सकते हैं क्योंकि सेम फोन है, सेम ब्रांड है, सेम फीचर्स है, डिजाइन सेम है, सारे स्पेसिफिकेशन 100% सेम है, सिर्फ और सिर्फ उसमें iQOO की ब्रांडिंग है और इसमें आपको Vivo की ब्रांडिंग मिल जाती है। That's it, there is no difference at all. और इसके अलावा अगर आप चाहते हैं Samsung का स्मार्टफोन लेना तो Samsung के M सीरीज का स्मार्टफोन ले सकते हैं, आप Realme 9 सीरीज का स्मार्टफोन ले सकते हैं, वो भी बहुत अच्छे हैं। सो आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल हैं, बट इस स्मार्टफोन को आप बिल्कुल ना लें क्योंकि ये वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट कहीं से भी नजर नहीं आता है। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस स्मार्टफोन। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली सब्सक्राइब द चैनल, ताकि इस तरीके के नए नए और इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना सकूँ। ओके सो दैट्स ऑल अबाउट दिस स्मार्टफोन। सलाम, माय नेम इज साकिर एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।